नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इष्ट तक पर। मैं हूं आचार्य सचिन शिरोमणि। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे अपने विषय को लेकर कि तुलसी का जो पौधा होता है उसके अंदर जब आप उसके नीचे दिया प्रज्वलित करते हैं सायकाल में, तो कौन सी ऐसी विशेष बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा घर के अंदर दरिद्रता का वास हो जाता है। तो बिल्कुल अलर्ट हो जाइएगा इस चीज को लेकर। और कहा जाता है भगवान विष्णु का वास है तुलसी के अंदर, और तुलसी की जब आप पूजा अर्चना करते हैं तो तुलसी की पूजा अर्चना से तुलसी दल अर्पण किया जाता है विष्णु को, और तुलसी की माला भी अर्पण की जाती है भगवान विष्णु को एकादशी। लेकिन अब आप जान लीजिए, जो तुलसी का पौधा जब भी आप अपने घर के अंदर रखें तो हमेशा पूर्व दिशा की तरफ रखें। रामा तुलसी और श्यामा तुलसी को हमेशा साथ साथ रखें। जब भी आप तुलसी के पौधे के नीचे सायकाल दिया प्रज्वलित करते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो ऐसा ना हो दरिद्रता आपका घर छोड़कर बिल्कुल ना जाए। क्या है वो खास बातें, अब वो जान लीजिए। सर्वप्रथम, जब भी आप तुलसी के नीचे दिया प्रज्वलित करें तो आप स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात और शुद्ध वस्त्र धारण करने के पश्चात ही आपको दिया प्रज्वलित करना है। दिया जब भी प्रज्वलित करें तो आप अशुद्ध घी का प्रयोग ना करें, हमेशा शुद्ध घी का आपको प्रयोग करना है। दिया जब भी आप प्रज्वलित करें तो उसके साथ कुछ सुगंधित अगरबत्ती या धूपबत्ती भी आप अवश्य जलाएं, तो यह आपके लिए बहुत लाभप्रद हो सकता है। दिया जब भी तुलसी के नीचे आप प्रज्वलित करें तो आप शांतचित होकर वहां पर पूजा अर्चना करें। और आपको बता दूं, दिया जब भी आप तुलसी के नीचे प्रज्वलित करें तो मन के अंदर एक खुशी, मन के अंदर एक सात्विकता, पवित्रता और शुद्धता लेकर ही आप तुलसी के नीचे दिया प्रज्वलित करें। अन्यथा क्या होगा, आपका मन एकाग्रचित नहीं होगा, आपका ध्यान भटकेगा, तो मान के चलिएगा आपका चित्त जो है तुलसी की पूजा अर्चना में बिल्कुल नहीं लगेगा, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ जो है लाभ प्राप्ति के लिए जो आप ये दिया प्रज्वलित कर रहे थे वो आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे में इन छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखें। जब भी आप तुलसी के नीचे दिया प्रज्वलित करें तो हो सके वहां भगवान विष्णु के कुछ नाम, 108 नाम, 27 नाम, 11 नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उस दिए को प्रज्वलित करते समय आप जो है मंत्र जाप करते समय उस दिए को प्रज्वलित करें। तो ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं ये आपको काफ़ी लाभ पहुंचा सकती हैं, क्योंकि एस्ट्रो तक एक ऐसा मंच है जो छोटे छोटे विषयों को लेकर, जो देखने में छोटे हैं, कहा भी जाता है ना कि देखने में छोटे लगे और घाव करे गंभीर, तो ऐसे में छोटी छोटी बातें जरूर हैं लेकिन लाभप्रद हैं। एस्ट्रो तक एक ऐसा मंच है जो अपने व्यूअर को, अपने सभी दर्शकों को ये बताता रहता है कि कौन कौन सी ऐसी नई जानकारी है जो आप करने के पश्चात आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। बिल्कुल आप करिए, और हो सके जब भी आप तुलसी का दिया जब प्रज्वलित करेंगे तुलसी में, तो आप हमेशा या तो परिवार सहित अगर कर सके तो बहुत बेहतर है, या अपने हस्बैंड, पति या पत्नी के साथ करें तो और भी ज़्यादा बेहतर है। यदि आप अकेले रहते हैं, दूर दराज कहीं क्षेत्र में हैं, तो आप जो है अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन मन में एकदम शुद्धता और पवित्रता रहनी चाहिए। बस इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मित्रों, एस्ट्रो तक को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर किसी नए विषय के साथ मैं आऊँगा, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।